राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, या भी हमें बच्चों को बताना है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर मैं अपनी एक स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है शिक्षा का उद्देश्य प्रस्तुत करता हूँ। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान संस्कृति सभ्यता का चहुं ओर विकास हो, साहस कर्मठता जीवन में आए, कोई ना निराश हो, कार्य कुशलता विकसित हो, भरपूर आत्मविश्वास हो। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। देश का हर एक नागरिक चरित्रवान सामर्थ्यवान हो, संयम भावना जागृत हो, अंतःस्थल प्रकाशवान हो। शिक्षा का उद्देश्य मात्र धनोपार्जन सुखोपभोग नहीं, शिक्षा का उद्देश्य जीवन निर्माण राष्ट्र का उत्थान हो। युवा शक्ति सक्षम बने, राष्ट्र निर्माण में योगदान हो, जननी जन्मभूमि के प्रति हृदय में गर्व एवं सम्मान हो, नैतिक मूल्यों का विकास संस्कृति पर अभिमान हो। शिक्षा का उद्देश्य सभ्य सुसंस्कृत कुशल व्यक्तित्व का निर्माण हो। सरल सहज संवेदनशील संयमित हर एक इंसान हो, शालीनता सहृदयता कर्तव्य निष्ठा शिक्षा का प्रमाण हो। रोटी कपड़ा और मकान मात्र लक्ष्य ना हो जीवन का, शिक्षा का उद्देश्य सेवा भावना जगत का कल्याण हो। साहस शौर्य की प्रतिमूर्ति हो, अभिमन्यु सा प्रतापवान हो, चुनौतियों में कभी डिगे नहीं महाराणा सा स्वाभिमान हो। प्रेम त्याग समर्पण हो, सदा अपने लक्ष्य पर ध्यान हो, शिक्षा का उद्देश्य मानव से महामानव का निर्माण हो। अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, इतना आत्मज्ञान हो, करें सम्मान बड़ों का इस बात का भी हमें ध्यान हो। शिक्षा का अर्थ केवल गणित विज्ञान या तकनीक नहीं, शिक्षा का उद्देश्य आचरण में रामायण गीता और पुराण हो। धन्यवाद।